क्या बड़े बड़े गड़े खुदाए रे भाई ने गांव में। बेचारा मल्लेश खोद खोद के बीमार हो गया। पहले नक्शा नहीं मिला था ना रे, अब मिल गया। अरे अब मिल गया ना भाई नक्शा, क्या मोहरत हो ना खजाना निकालने। टिल्लू को पूछ, लौंड पना सुधर रहा, इफ्लास जा रहा, देख चला इसको उंगली करके आएंगे। अम्मा 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 अम्मा, डर लग रहा है। अम्मा 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 अम्मा, बचा ले रे मेरे को। अम्मा डर गया समझ रहा, चल बे। सुनो, नक्शे के हिसाब से आज हम सही जगह खोद रहे, कुछ ही देर में अपने को खजाना मिल जाएगा और हम सब माला माल हो जाएंगे और वादे के मुताबिक सबको बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। भाई नक्शे के हिसाब से ये स्पॉट सही है ना, क्या यहाँ भी खाली खुदा रहे? तू खामोश खोद, बात न को कर, खोद। अरे खोद बोले तो, तुम्हारे बाव और शिष्यों में कौन से कागजा रखे गए की तुम भुगतने की सजा हमको मिल रही? रे खामोश काम कर। मैं तेरे को पहले ही बोला, इन्हें सूरत से अमीर नहीं दिख रहा। अच्छे कपड़े पहन लिए तो हो जाता क्या? इसके बाप का कोई खजाना वजाना नहीं है। सही बोला। एक बात बोलूं उस्ताद, अगर इतनी खुदाई तुम शहर में करते थे ना तो म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे तुम पूरे हैदराबाद के। बस करो ये खोदना वोदना, चलो वापस मेरे साथ जेल को। आर्ग्यूमेंट कई को, अपन लोग सब पार्टनर है, यही बोले थे ना साहब तुम। एक टेक्निक बताओ साहब। क्या टेक्निक? ये इच के पुलिस वाले लीडरा और पेट्रोल के रेटा इतनी जल्दी कैसा बदलते होंगे? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल। अरे भाई ये मेरी है आरज़ू। कोने तुम लगा मेरे को यहाँ क्यों ले? हाँ मेहमान उठ गए, क्या लेंगे आप? चाय ठंडा क्या मंगाऊं? कुछ लेते ना देते तू यहाँ लाया क्यों? ये बोल। कूल सर, कूल, कूल डाउन। 165/100 सर। मैं क्या गलती करा जो आप मेरे को यहाँ पे लेके आए? बिस्किटा कहाँ है मेरे? बिस्किटा किराने की दुकान पे मिलते हैं। कौन से बिस्किट खाते बोला था? मैं आते आते लाता था 50-50 क्रैक जैक पार्ले जी। मैं खाने के बिस्किट की बात नहीं कर रहा हूँ, सोने के बिस्किट की बात कर रहा हूँ। कहीं को नींद नहीं आ रही क्या? सोना नहीं, गोल्ड, गोल्ड बिस्किट्स। वेयर आर माय गोल्ड बिस्किट्स? दीवाने पने के बात नको करो, मेरे पास कहीं के बिस्किट कहां के बिस्किट है? पागल हो क्या? देखो आराम से बैठ के बात करेंगे, आओ मेरे साथ बैठिए, बैठिए बैठिए आराम से। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे बिस्किटा कहाँ है? अरे मैं बोला ना भाई मेरे पास बिस्किटा नहीं है। तू ऐसा नहीं ठोक दिया तो बता। सेफ है, सेफ है, मेरे पास हिफाजत से आपके बिस्किटा। जाके ला लेंगे। कई को या मंगा लेंगे, देखेंगे। मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। सुन लीजिए ना। सुन लो बॉस। क्या शर्त है? अगर आपको आपकी बिस्किट हो ना तो मेरा एक काम करना पड़ता, कुछ लौंडे मेरे काम में टांग अड़ा रहे, अगर जरूरत पड़ी तो आपको उनकी टांग तोड़ना पड़ेगा। जिस दिन मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको आपका सोना दे दे के दुबई को रिटर्न हो जाऊंगा। होना तो श्योरिटी के वास्ते ये पासपोर्ट रख लो मेरा। और अगर एक भी बिस्किट कम हुआ तो? भाई मैं झूठे भरो, दो बिस्किटा में खर्चा कर लिया, गाड़ी खरीद लिया और थोड़ी शॉपिंग कर लिया। गोल्ड के आज के रेट के हिसाब से 28,50,756 बाकी के बिस्किट सेफ है, सेफ जगह रखो, मैं आपको मेरा काम होते ही देके चले जाता हूँ। अब डील ओके? किस्मत खराब है तो क्या कर सकते हैं। ओके डॉन, आ आ आ डॉन, आप गाड़ी खींच लिए मैं पैदल हो गया ना। डॉन एक 25,000 दो ना, सेकंड हैंड बाइक ले लेता हूँ, प्लीज 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 डॉन। भैया जी ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है?
कच्चा खिलाड़ी है, ज्यादा दिन नहीं खेल सकता। ठीक है, खेलने दे, थोड़े दिन अपना माल भी सेफ रहेंगे। थैंक यू डॉन, चलता हूँ, बाइक की दुकान बंद हो जाते। इसकी एक एक हरकत पे चील की निगाह बनकर मंडरा हूं। जब तक सोना नहीं मिल जाता इन्हें स्क्रैचलेस रहना। सोना मिल गए बाद इसकी एक एक जगह पे ऐसा स्क्रैच मारूंगा इन्हें सिर्फ स्क्रैप में बिकेगा। अब तो ये हौला डॉन भी अपना पट्टा बन गया। बस कुछ ही दिनों में आलिया से शादी करके पूरा सोना बेच के दुबई को रिटर्न हो जाऊंगा और वहां जाके एक खिलौनों की दुकान खोलूंगा। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होंगी कि ये हौला पासपोर्ट तो डॉन को दे दिया, दुबई को जाएगा कैसा? बंदे को असलम खान दुबई रिटर्न बोलते हैं। जो पासपोर्ट में डॉन को दिया वो डुप्लीकेट था, ओरिजिनल पासपोर्ट तो मेरे पीछे के जेब में है। अरे देखो ना साहब, बांग्लादेश का कंगे, यूरोप का कंगे, कनाडा का कंगे, इंग्लैंड का, ये इंडिया का है। अरे ये 25 रुपीस का, ये 20 रुपीस का, ये 26 रुपीस का। अरे इंडिया का जो है सऊदी से रिटर्न होकर आया, 15 रुपए में थी ना साहब, मैं आपको 4 दे रहा हूँ साहब। अरे देखिए ना साहब, अरे ले लीजिए ना। क्या है बोल के कंगे करो रे? क्या गिराक मिला है साहब, सुबह सुबह बड़ा अच्छा गिराक मिला है। लाइसेंस नहीं है। आरसी नहीं रखता हूँ। तेरे पास हेलमेट है मियां? बाल खराब हो जाते। पोल्यूशन भी नहीं कराया होगा तू। सिटी में क्या कम पोल्यूशन है जो मैं कराऊं? आखिर तेरे पास है क्या मियां जो तू इतने पौधा मार रहा? पीछे पुलिस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, तू जाके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सलाम सलाम रोजी भैया, ये क्या हुआ? क्या कर रहे उस्मान भाई? अभी आ रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे लिफ्ट दिया था। किसी अरे गरे के साथ लिफ्ट लेते हुए शर्म नहीं आती? चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो। चलो भाई लोग, सदमों के गंजे, खानदानी गंजे, पैदाइशी गंजे, आज का स्पेशल आइटम बब्बर छाप तेल। एक बार जो लगाएगा मुझे ढूंढते रह जाएगा। लाइन में आओ, सैंडल की मार के गंजों और टकलों के लिए, घर में बीवी की लातों और जूते खाकर हुए गंजे, उन सब के लिए बब्बर छाप तेल। आइए भाई। तेल उसका है क्या? क्यों चाचा, पूछते हुए वक्त में फड़फड़ा रहे? ये उसका नहीं, बालों का तेल है। फिर कोई भी जवानी वापस लाते बोल के हमारे मुंह में पानी कहीं गुला रही मियां? बाल अगर सर पे नहीं है ना तो 25 साल का नौजवान भी 40 साल का लगता, इसीलिए। अरे रे 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 रे, इतनी देर करके आते? पूरी जमीन बंजर हो गई, अभी कितना भी हल चला लो फसल उगने वाली नहीं है। इतनी जल्दी भूल गया रे? ये हाल मेरा तेरा तेल लगाने के बाद ही हुआ। मेरे गंजेपन को देख के हजाम के साथ मेरी बीवी भाग गई रे। तेरे को 2 महीने से ढूंढ रहे मई, आज तेरे को छोड़ेगा नहीं मई। अरे साले को फिर यकीन करो मामू, मैं आपकी लड़की का अच्छा ख्याल रख लेता हूँ। दिमाग खराब हो गया खलील तेरा? जरा एक बार और अच्छा सोच लेना था। एक बार सोच लेना था? अरे हजार बार सोच लिया, चल निकल। इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा तुम्हारा। भुगतना पड़ेगा? भुगतेंगे जा। भुगतो। ये लंगा भूखा मेरी बच्ची से शादी करता करते। वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। आओ टीपू बैठो। फिर वही टीपू चाचा, घर में बेर का झाड़ रहा तो फतरे आते, बच्ची अगर रही तो रिश्ते आते। मगर ये पहाड़ कई को आया रिश्ते के सिलसिले में? तेरा रिश्ता तो नहीं लाया ना? अरे मेरा नहीं चिच्चा, मेरे उस्ताद का रिश्ता लाया। वो इस बोल रहा हूँ, कई को बोले तो मेरी बच्ची दुबली पतली है। वैसे तेरा उस्ताद करता क्या? मेरे उस्ताद हैदराबाद में टॉप के टेलर है। टेलर है? ड्राइवर रहता तो अच्छा रहता था। वैसे छोड़, तेरा उस्ताद शौखा क्या करता? शौखा छालिया भी नहीं खाते। छालिया भी नहीं खाता? इतना गरीब है तेरा उस्ताद? हाँ? अरे मेरे को रंगीला किस्म का दामा चाहिए। गरीब शरीफ नहीं चलता। अब गया सो पुट्टे को देखा? और देखा, गांव का सबसे शरीफ पुट्टा है मगर कंगाल है। मेरे शौखा पूरे कर सकता रे उन्हें? कैसा दामा तूने? अरे मेरे को रंगीला किस्म का दामाद है तो देख, तेरे को भी कमीशन देता हूँ। एक बार उस्ताद को देख लेना था। अरे जा भाई जा, इफलासियों को देखे तो घर में इफलासी आती करते। अफसोस, मैं इतना समझाने के बावजूद भी आप एक अच्छे रिश्ते को ठुकरा रहे। बेचारे उस्ताद अब क्या कर लेते कि क्या नहीं की। खैर चलता हूँ चाचा, देखेंगे फिर इंशाल्लाह। 35 साल में जमाना कितना चेंज हो गया। शोले की मौसी धमिंदर गुड़ है बोल के बसंती को नहीं थी,
और ये मौसा गुड़दामत होना बरा। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని సరికొత్త సినిమా వీడియోల కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి.